पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का 38वां दीक्षांत समारोह गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में मनाया जाएगा। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी तथा मुख्य अतिथि के रूप में UGC के चेयरमैन धीरेन्द्र पाल सिंह होंगे। दीक्षांत समारोह की तैयारियों के संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने बताया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में राज्यपाल के आगमन पर उनके स्वागत के लिए पूरा विश्वविद्यालय परिवार तैयार है। 23 अक्टूबर को दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पर कुलाधिपति द्वारा दीक्षा भवन के सामने बनवाए जा रहे कुलाधिपति वाटिका में पौधरोपण किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर वी के सिंह ने बताया कि दीक्षांत समारोह में कुल 51 छात्र छात्राओं को 151 पदकों से नवाजा जाएगा। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने बताया। समारोह 23 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ होने जा रहा है, उसके लिए इस प्रदेश की कुलाधिपति महोदया श्रीमती आनंदी पटेल जी का आगमन 23 तारीख को प्रातः हो जाएगा। उनके साथ ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के चेयरमैन प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह जी भी साथ में आएंगे। मुख्य अतिथि के रूप में वह अपना दीक्षांत उद्बोधन देंगे। हमारी सारी तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। दिग्विजयी सेतु कन्वोकेशन के वीक में पूरे वीक हमारे कुछ महत्वपूर्ण व्याख्यान ख्याति लब्ध विद्वानों के द्वारा विभिन्न विभागों में विभिन्न संगठन संस्थानों के द्वारा किया गया है। और अभी हमारे 21-22 में इस हेतु हम जो रिहर्सल जो हमारा होगा जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, हमारे इस बार प्रथम बार हमारे प्राथमिक विद्यालय के कुछ छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया है जो कन्वोकेशन के अवसर पर उपलब्ध रहेंगे और माननीय कुलाधिपति महोदयों के द्वारा पुरस्कृत भी किए जाएंगे, तो उनको भी बुलाया गया है और उनका भी हम रिहर्सल करा देंगे। और हमारी पूरी टीम 21-22 को पूरे इवेंट का रिहर्सल करके ये देखेगी कि निर्धारित समय अवधि में ही हमारा कार्यक्रम संपन्न हो जाए। 10:30 प्रातः से हमारा कन्वोकेशन प्रारंभ होगा और 1 तक उसको समाप्त, 2.5 का प्रोग्राम है पूरा, उसका मिनट टू मिनट हम ऑलरेडी भेज चुके हैं, महामहिम के द्वारा अनुमोदित हो चुका है। और हमारे उसके पूर्व हमारे महामानी कुलाधिपति महोदया उतरने के बाद गार्ड ऑफ ऑनर लेंगी। साथ में एक कुलाधिपति वाटिका का निर्माण किया गया है दीक्षा भवन के सामने ही, जिसमें कुलाधिपति महोदया के द्वारा कुछ पौधों का रोपण किया जाएगा। और कुलाधिपति वाटिका वो इसीलिए बनाया गया है कि आने वाले सभी सालों में कुलाधिपति महोदय के द्वारा जो विभिन्न अवसरों पर दीक्षांत समारोह में आएंगी वो वाटिका उनके लिए आरक्षित कर दी गई है। उनके द्वारा समय समय पर पौधारोपण किया जाएगा। प्रथम बार कुलाधिपति वाटिका में महामहिम के द्वारा हमारे एक पौधा लगाया जाएगा, पौधे का चयन किया जा रहा है। हमारी सारी अन्य तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। पिछले 1 से हमारा पूरा संस्थान वाइब्रेंट है और तैयारी हो रही है, सभी लोग ऊर्जा से भरे हुए हैं। हमारे छात्र छात्राएं माननीय कुलाधिपति के स्वागत के लिए तैयार हैं। हमारी पूरी फैकल्टी, हमारा पूरा स्टाफ, पूरा गोरखपुर शहर बहुत ही आनंदित है कि उनका आगमन हमारे परिसर में होगा। प्रथम बार माननीय कुलाधिपति महोदय की नियुक्ति के बाद विद्यालय परिसर में आगमन हो रहा है, इसलिए पूरा विश्वविद्यालय परिवार आह्लादित है। सर, कितने स्टूडेंट को मेडल मिलेगा? मेडल तो हमारे करीब 51 स्टूडेंट्स को मिलेगा, जिसमें टोटल जो कुछ मेडल कॉमन होते हैं जो स्मृति के विशेष के रूप दिए जाते हैं, इस तरह के मेडलों की संख्या 151 है, लेकिन छात्रों की संख्या 151 है जो उनको मिलेगा। कई कई छात्रों को स्मृति का मिला करके 2-3 मिलते हैं, तो वो मिला करके 150 मेडल्स हैं, लेकिन छात्रों की संख्या 51 है। हाँ।